हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोजी हेल्थ एंड आर्ट। आज हम देखेंगे घर पे बहुत ही आसानी से हम इंस्टेंट मिल्क पेरा कैसे बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही यम्मी है और ये 5 मिनट में बहुत ही जल्दी फटाफट बना सकते हैं आप। तो ये रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल कोजी हेल्थ एंड आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया और पैन को गर्म होते ही इसमें घी ऐड करूँगी। इसमें देसी घी अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और पेड़ा का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो घी को फैला दिया और गर्म होने के लिए 2 मिनट वेट किया। इसके बाद मैंने एक कटोरी दूध लिया, दूध को डाल दिया और अच्छी तरह से उबल आने के लिए ऐसे चलाते रहना है 2-3 मिनट तक, ताकि दूध थोड़ा सा क्वांटिटी इसका जो है कम हो जाए, दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और गर्म भी हो जाए अच्छे से। ये देखिए, दूध को चला लिया मैंने। अभी मिल्क पाउडर डालने वाली हूँ। मिल्क पाउडर भी सेम क्वांटिटी के लिया, एक कटोरी दूध लिया तो उसके हिसाब से मैंने और एक कटोरी मिल्क पाउडर ले लिया। थोड़ा थोड़ा करके 2 टाइम में इसको ऐड किया और अच्छे से अभी लगातार चलाते रहना है। इस टाइम पे आंच को मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच करने का ज़रूरत नहीं है और लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं आना चाहिए। ये मैंने डाल दिया कंडेंस मिल्क, इसमें भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पेरा में एक क्रीमी फीलिंग आता है, मलाई जैसा फीलिंग आता है। और अभी अच्छे से एकदम लगातार चलाते रहना है ताकि ये तले में पैन में जम ना जाए, चिपक ना जाए और इसमें कोई भी गुठली या लम्स नहीं आ जाए। इसके लिए अच्छे से इसको स्मैश करते रहना है और इसको स्टार करते रहना है। देखिए इसका कैसे गाढ़ा हो गया, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। मिल्क पेरा ये अभी इंस्टेंट आप मिल्क पाउडर से बनाएंगे और कंडेंस मिल्क डालेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। इसको थोड़ा सा टाइट कर लेना है और ये कढ़ाई से ऐसे ही छोड़ दिया। जैसे ऑयल छोड़ने के बाद मसाला अलग हो जाता है, ऐसे ही ये थोड़ा सा टाइट भी हो गया, सूख भी गया और ऐसे ये छोड़ने लग गया पैन को। कैसे देखिए, पूरा अलग हो गया। मैंने इसको अच्छे से स्मैश करके अभी गैस बंद कर दूंगी। ये ऑलमोस्ट डन हो गया मेरा और इसको गैस बंद करके थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूंगी। इसको इसके बाद कोई भी अगर लम्स ये रह जाए, मुंह में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको अच्छे से नीट कर लिया मैंने और हाथ को मैंने फिर से घी से थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लिया। अभी इसको गोल गोल पकाते हुए पेरे के शेप में लाना है, ऐसे बॉल बनाना है। आप चाहे तो इसके बर्फी के फॉर्म में भी खा सकते हो। और मेरे पास कटा हुआ चेरी है, चप्ड चेरी से मैं इसको गार्निश करूँगी। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, आमंड या पिस्ता भी ऐड कर सकते हो इसमें गार्निशिंग के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा है, एकदम फटाफट बन के घर पे तैयार हो जाने वाले अभी लॉकडाउन में बनने वाले मिठाई है, तो इसको बना के मज़ा ले सकते हैं इसका। और वीडियो अगर अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल कोजी हेल्थ एंड आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि जितने सारे वीडियो नए आएंगे इसका नोटिफिकेशन सबको पहले मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।